हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो चीजें हमें जैसी दिखती हैं वैसी ही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में आजकल सब पैसे कमाने पे उतर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग तो पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जान भी लेने को तैयार हैं। हर साल न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए हैं कि वो आपको आपकी आंखों के सामने ही जहर दे देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो हम और आप खाना खाते हैं वो क्या बहुत अच्छा होता है? आपको क्या लगता है कि जो वो आपको खिलाते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा है? यकीन मानिए, जो हम और आप बाहर खाना खाते हैं वो खाना कम और जहर ज्यादा है। ये स्वीट किलिंग है, एक ऐसी मौत जो कि आपको धीरे धीरे मारती है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि कई बार जो हम होटल के कमरे में रुकते हैं उसकी कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि जागो ग्राहक जागो। दोस्तों, आप जब भी किसी होटल में रुकें तो कम से कम चारों तरफ देख जरूर लें। पता चले आप हनीमून मनाने गए थे और आपकी फिल्म बन गई, एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर आप लाइफ टाइम के लिए शर्मिंदा हो सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें बाहर जाते समय संभल कर रहने की जरूरत है। आजकल ये साफ साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग कुछ जल्दबाजी में पैसे कमाने के लिए हमारे साथ छल कपट करने से भी बाज नहीं आते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैसे आपको होटल में सूप के नाम पे पागल बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन होटल में जो हम सूप पीते हैं वो जहर से कम नहीं होता। आपको बता दें कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो तो फिर भी बचे हुए हैं, लेकिन जो वेज खाते हैं उन्हें तो आज से बाहर खाना खाना छोड़ ही देना चाहिए। दोस्तों, जो लोग वेज खाना खाते हैं वो नहीं चाहते कि उनका खाना नॉनवेज के संपर्क में आए, लेकिन दोस्तों होटल्स में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो आपको बता दूं कि दिन रात एक ही प्लेट में खाना तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम आपको सूप का ही एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको पता है कि होटल वालों को वेज खाने से ज्यादा सस्ता नॉनवेज खाना पड़ता है? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जब आप वेज सूप ऑर्डर करते हैं तो होटल वालों को कई तरह की सब्जियां और न जाने किन किन चीजों का इंतजाम करना पड़ता है, उसके बाद उसे तैयार किया जाता है। इसलिए दोस्तों आजकल इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। कहा जाता है कि आजकल वेज सूप में नॉनवेज की ग्रेवी डाल दी जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि अगर मौका मिलता है तो ये सब्जियों के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी डाल देते हैं जिससे हड्डियां गल जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या पी रहे हैं। आपको लगेगा आप तो नॉनवेज सूप पी रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत मजा भी आ रहा हो, लेकिन दरअसल वो होता है नॉनवेज सूप। धर्म भ्रष्ट ना हो जाए इसलिए थोड़ा संभल के। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपके साथ होटल वाले क्या करते हैं, आपके साथ होटल वाले किस तरह का खेल खेलते हैं जब आपको वो वेलकम ड्रिंक ऑफर कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम तो होता है वेलकम ड्रिंक लेकिन एक्चुअली ये है वेलकम टू द पॉइजन लैंड। दोस्तों, जो भी वेलकम ड्रिंक आप पीते हैं वो आपको पिलाई जाती है एक ऐसी ग्लास में जो कि धुले भी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब यूज्ड ग्लासेस होती हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये ग्लासेस सिर्फ पानी से साफ की जाती हैं, न कि साबुन या सर्फ से, कई बार तो साफ भी नहीं की जाती। दोस्तों, ये सच्चाई है और ये सच्चाई महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स की भी हो सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग होटल का खाना खाकर घर आते ही बीमार पड़ जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि खाने के साथ अलग अलग बैक्टीरियाज हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। आजकल तो वैसे भी संभल के रहने की जरूरत है, जानते ना क्यों, चीन से एक संदेश आया है इसलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जब बात आती है पंजाबी खाने की तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि कैसे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रेस्टोरेंट्स में भी आपको बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों, दाल मखनी को ये नॉनवेज के साथ फ्राई कर देते हैं। दोस्तों, ये 100% सच है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन होटल में जब नॉनवेज खाना बना रहे होते हैं तो साथ में ही दाल मखनी को भी तैयार किया जाता है, और उस समय जो मसाले और बाकी चीजें नॉनवेज में पड़ रही होती हैं उनको ही वेज में भी मिला दिया जाता है, सिर्फ नॉनवेज के पीसेस को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। जो दाल मखनी आप ये समझ के खाते हैं कि भाई ये तो वेज है, ऊपर से हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वो दरअसल है कुछ और ही। दोस्तों, आपको जो भी लगे लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि हमारे साथ इतना छलावा किया जाता है जिसका हमें कुछ अंदाजा भी नहीं है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जागो ग्राहक जागो, अगर अब नहीं तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हमने खुद का ख्याल रखना शुरू नहीं किया तो भाई हमारा भयानक नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको और भी एक से बढ़कर एक चीजें दिखाने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो भी खाना हम अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं वो किसी और को सर्व कर देते हैं ये होटल वाले। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात भी 100% सच है। जो भी खाना आधा खाया हुआ हम छोड़ के जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसी और के ऑर्डर में सर्व कर दिया जाता है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि ये इतने नीचे गिर गए हैं पैसे कमाने के पीछे, यानी किसी की कोई परवाह नहीं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर पे ही खाना खाया करें, बाहर तभी जाएं जब मजबूरी हो, नहीं तो दोस्तों कितनी परेशानी हो सकती है आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आगे पोल खोलना जारी रखने वाले हैं।
आपका कमरा जितना साफ दिखता है दरअसल उतना होता नहीं है। दोस्तों हर साल होटल के एक कमरे में कम से कम 100 से ज्यादा लोग रुकते होंगे। अब वो कमरे में क्या क्या करते हैं ये तो कोई नहीं जानता, पर अगर आपको लगता है कि बिस्तर पे रखी रजाई और बेड कवर की साफ सफाई का ख्याल रखा गया होगा तो आप गलत हैं। रजाई कभी कभार ही साफ की जाती है और बेड कवर तो बहुत मुश्किल से ही कभी साफ की जाती है। रूम में रखे ग्लास भी सिर्फ पानी से खंगाल दिए जाते हैं और कई बार तो हानिकारक केमिकल्स से भी। कमरे में रखे ग्लास का उपयोग करना भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ होटल्स में ग्लास फर्नीचर पॉलिश से साफ किए जाते हैं? ऐसा करने से ग्लास चमकदार और साफ दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें उपयोग किया हुआ रसायन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार होटल स्टाफ इन ग्लासेस को बाथरूम के पानी से साफ कर देते हैं और उन्हें ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं पाता। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं मिनी बार की कहानी। वैसे तो ज्यादातर होटल्स के मिनी बार में पानी, बियर, जूस और कई बार हार्ड लिकर भी मिल जाता है, और अच्छे होटल्स में इनको यूज करने के पैसे नहीं लगते। लेकिन बेहतर होगा कि आप मिनी बार का इस्तेमाल करने से पहले मैनेजर से पूछ लें कि ये सर्विस फ्री है या नहीं। एक और बात का ध्यान रखें, मिनी बार में रखी पानी की बोतलों की सील जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि पिछले गेस्ट ने पैसे न देने के चक्कर में उसमें वापस पानी भर दिया हो। आपको बिस्तर में कीड़े मकोड़े भी मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपके कमरे की हाउसकीपिंग हर दिन होती है, लेकिन फिर भी अगर सोते वक्त आपको कोई कीड़ा काट जाए तो आप क्या करेंगे? होटल स्टाफ ही आपको कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने कमरे में पेस्ट कंट्रोल कब करवाया था, इसलिए कीड़े और खटमलों का ध्यान रखें। अब आपको बताते हैं खोया पाया डिपार्टमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आपका कोई सामान होटल में खो गया है तो आप ये मान लीजिए कि वो आपको वापस शायद ही मिल पाए। या तो होटल स्टाफ का कोई कर्मी उसे रख लेगा या फिर उस कमरे में आने वाला अगला गेस्ट। वैसे भी ज्यादातर क्या होता है होटल में, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, कपड़े, चाबियां, ये जिन लोगों की भी गुम हो जाती है ना, मिलती नहीं कभी। अगली बार अगर आपका कोई सामान रूम में रह जाए तो तुरंत होटल सिक्योरिटी को खबर दें। आपको बताएं कि होटल स्टाफ भी आपके कमरे का उपयोग करते हैं। दोस्तों जब आप अपने कमरे से निकलकर कहीं घूमने जाते हैं और हाउसकीपिंग के लोग आपके कमरे को साफ करने के लिए आते हैं तो उनके पास काफी समय होता है जिसमें वो आपके कमरे में कुछ भी कर सकते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। वैले पार्किंग में अपनी कार न दें। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर वैले ड्राइवर को कार देने के बाद उसमें कोई क्षति हो जाती है तो होटल वाले उसके जिम्मेदार नहीं होते। जी हाँ, आप तो अपनी कार वैले में देकर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन वो ड्राइवर आपकी कार के साथ क्या कर रहा है इसकी खबर आपको नहीं होती। साथ ही दोस्तों होटल के कमरों में क्या हो रहा है ये किसको पता? आपको बताते हैं, ये होटल स्टाफ को पता होता है। कई बार तो होटल्स में वैश्यावृत्ति भी चल रही होती है। आपको खबर नहीं होगी लेकिन कई लोग सेम होटल में स्कॉच की सेवाएं ले रहे होते हैं, हालांकि होटल स्टाफ इस बात से अनजान नहीं होते। दोस्तों आपको बता दूं कि लोग होटल में जाकर इसलिए भी रुकते हैं ताकि वो एकांत में कुछ समय बिता सकें। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राणघाती बीमारियां हो सकती हैं। आपको बताएं कि होटल के कमरों में लाशें मिलना नई बात नहीं है। अलग अलग कारणों से अलग अलग होटल्स में लोग कई बार अपनी आखिरी सांसें ले लेते हैं, लेकिन ये बात आपको कभी पता नहीं चलेगी कि किस कमरे में क्या हुआ है। ऐसे ही कुछ मानसिक रूप से परेशान लोग होटल के कमरे को अपना आखिरी पड़ाव बना लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब घटनाओं को होटल वाले छुपा के रखते हैं क्योंकि उससे उनकी इमेज खराब होती है। होटल में हादसे होना आम बात है। सब्जी काटते वक्त किसी कुक की उंगली कट जाए, या फिर सीढ़ियों से उतरते वक्त कोई कर्मचारी गिर जाए, या फिर एलिवेटर ठीक करते समय रिपेयर करने वाले की मौत ही क्यों ना हो जाए। ये खबरें कभी मीडिया में नहीं आती, इसलिए अगली बार होटल में रहने जाएं तो सुनिश्चित कर लें कि लिफ्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। होटल वाले हमेशा चाहेंगे कि उनके होटल की खामियां जनता तक न पहुंचे, इसलिए वो पुलिस वालों से अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। कई होटल में आग को नियंत्रित करने के लिए योग्य उपकरण भी नहीं होते, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें अनदेखा कर देती है क्योंकि इनकी आपस में सेटिंग हुई होती है। कई सेलिब्रिटीज जब सफर करते हैं तो अपने पसंदीदा होटल में ही रुकते हैं। इनमें से कई सेलिब्रिटीज नहीं चाहते कि सामान्य जनता को उनके बारे में पता चले। होटल स्टाफ हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि इन महत्वपूर्ण लोगों की शांति भंग न हो, इसलिए होटल वाले इन सेलेब्स की पहचान को छुपा कर रखते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि होटल के कई राज ऐसे भी होते हैं जो कि न तो हमें पता चल पाते हैं न ही किसी और को। बस ये बातें उन्हीं को पता होती हैं जो यहाँ काम करते हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मामला बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।